बचाओ! ओ फक, ए रुक! बचाओ! या फिर रुक! बचाओ! बचाओ! मेरी मदद करिए, मुझे बचाइए! ए रुक! बचाओ! मुझे बचा लीजिए! इन गुंडों से मुझे बचा लीजिए! ये लोग मुझे मार डालेंगे! प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए! उन्तीनो भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वानो तुम लोग बताए हीरो, हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना कल सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। देखो तुम लोग जो कोई भी हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, समझ गए तुम? ये ऐसे नहीं मानेगा। ए पकड़ो, ए आगे मत जाओ, ए छोड़ दो मुझे, छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। आज आर्या पार हो ही जाए। कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ अटक गए ये लोग। लगता है आ गए। कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा सर? कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, तुम चिंता मत करो। कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं सर? तुम बेवजह परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा। कुणाल भाई, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? कुणाल तू जल्दी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, अवंतिका भाभी की जान खतरे में है। क्या बात कर रहे तू? अवंतिका भाभी को प्रताप नगर में देखकर आ रहा हूँ। प्रताप नगर? लेकिन वो प्रताप नगर क्यों जाएगी? वो तो सुंदर नगर गई है ब्यूटी पार्लर, मैं खुद उसे वहाँ छोड़ के आया हूँ। ये तो क्या कह रहा है? हाँ मैं अभी अभी अवंतिका भाभी को प्रताप नगर में देखकर आ रहा हूँ। एक काम कर, कॉल कर भाभी को जल्दी। हाँ करता हूँ। पिकअप अवंतिका, पिकअप। अरे यार फोन नहीं उठा रही वो। मैंने कहा था ना अवंतिका भाभी की जान खतरे में है। देख कुणाल तू इस बात को हल्के से मत ले, वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया ना तो देख भगवान ना करे भाभी को कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसी बात है तो हम लोग चलते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ सर, चल सर। मेरी पत्नी अवंतिका यहाँ आई थी क्या? कौन अवंतिका? अवंतिका? अरे कुणाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक गॉड तुम यहाँ ठीक हो। ठीक हूँ मतलब? मुझे क्या होना है? भाई भाभी कुछ देर पहले आप प्रताप नगर में थी ना? अमय भैया मैं प्रताप नगर में क्या करूँ, मैं तो यहीं पे हूँ कब से पार्लर में। वही तो मैं से कह रहा हूँ कि अवंतिका पार्लर में है। अरे कुणाल अगर भाभी यहाँ है तो वहाँ वो कौन थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? भाभी वो बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। मेरे जैसी? सीआईडी? जी अमर सीआईडी से। साहब मेरा नाम रमेश है, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए अंदर आइए। हाँ साहब जब मैं यहाँ पर आया तो इन लाशों को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। दो मिनट के लिए तो मेरे पैर सुन्न पड़ गए साहब। मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने हिम्मत करके आपको फोन कर दिया साहब। आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। ये तीनों हैं कौन? मालूम नहीं साहब, मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। मालूम नहीं मतलब? आप तो इस हाउस की रखवाली करते हैं, फिर आपको कैसे नहीं पता? साहब मैं महीने में एक बार ही यहाँ आता हूँ,
साफ सफाई के लिए, और फिर बंगले के मालिक कुमार साहब तो लंदन में रहते हैं साहब। चाहे एक बार आओ या दो बार, मगर इस फार्म हाउस की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना। हाँ साहब, जब मैं यहाँ पर आया तो दरवाजा खुला हुआ था साहब। दरवाजे के साथ छेड़खानी तो हुई है सर। सही देखिए सर, सोफे के नीचे ये मिली गन। पूरी गन भरी हुई, कोई भी गोली इस गन से नहीं चली। सर शायद इन्हें पता होगा कि इनकी जान को खतरा है, इसीलिए आत्मरक्षा के लिए अपने पास गन रखी होगी। लेकिन फ्रेडी, अगर इन्हें पता था कि इन पर हमला होने वाला है तो इन्होंने सीआईडी से मदद क्यों नहीं मांगी? और सर ये तीनों लोग यहाँ पे क्या करने आए होंगे? कपड़ों से तो ये अच्छे खासे घर के लगते, तो फिर एक अनजान आदमी के फार्म हाउस में क्यों घुसे होंगे? इस केस में सवाल ज्यादा है जवाब कम। फिलहाल हमें ये पता करना है कि ये तीनों हैं कौन। इस आदमी के जूते कुछ अजीब नहीं लग रहे? हाँ सर, इसके कपड़ों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। ऐसे जूते सर्जन्स पहनते हैं ऑपरेशन के दौरान। हाथों के नाखून भी छोटे कटे हुए हैं, जैसे कि एक सर्जन के होते हैं। सर इसका मतलब ये कोई डॉक्टर या सर्जन है? हो सकता है। मिसिंग पर्सन ब्यूरो से इन तीनों के बारे में पता लगाना होगा। फ्रेडी बाहर जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने खूनी को आते जाते देखा। ये सर देखते हैं, शायद कुछ और मिले। जूतों के निशान, सर कहीं ये खूनी का तो नहीं? हो सकता है। सारे निशान उठा लो, इन जूतों की मिट्टी से ही डॉक्टर साड़ों के कोई कारनामा कर दिखाएं। कौन सा पान लगाऊं साहब? पान वान छोड़ यार। अच्छा ये बता, तुमने कल रात उस फार्म हाउस पे किसी को आते जाते हुए देखा था क्या? वो फार्म हाउस तो सुनसान ही रहता बाबूजी, उसके जो मालिक है वो विदेश में रहते हैं ना, इसीलिए। अरे वो मुझे पता है। अभी इतने पुराने चावल भी नहीं हो बेटा कि एक सीआईडी ऑफिसर की जेब काट लो। तू मेरी जेब काट रहा था? माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था कि आप सीआईडी वाले हैं। अच्छा सीआईडी ऑफिसर नहीं होता, एक आम नागरिक होता तो उसकी जेब काटना सही बात? गलती हो गई साहब, अब मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा। कोई काम धंधा हो तो बताइए ना। ठीक है ठीक है, कहाँ तक पढ़ाई की है? आठवीं तक। ठीक है, पहले ये बताओ तुमने कल रात उस फार्म हाउस पे किसी को आते जाते देखा था? हाँ साहब, कल रात एक टैक्सी आकर रुकी थी वहाँ पर, उसमें से एक आदमी और एक लड़की उतरी थी। ये तीन फोटोज देखो, इनमें ही से थे? नहीं साहब, पर साहब ये इन तीनों का खून हो गया कल रात उसी फार्म हाउस में। लेकिन ये साहब वो लोग नहीं है जिन्हें मैंने देखा था। जिन्हें तुमने देखा था उनका चेहरा याद है? हाँ साहब, लड़की का चेहरा याद है। ठीक है चल, किस स्केच बनवा उसका। सर और कितना वक्त लगेगा? भाई साहब एसीपी प्रद्युमन बनने की कोशिश मत कीजिए, टाइम लगता है। हाँ सर आप लीजिए टाइम, मैं यहीं हूँ। सर हाँ मंगल। सर उस गन के मालिक का पता चल गया है जो हमें फार्म हाउस में मिली थी। वेरी गुड, कौन है वो? सर उसका नाम अनुज चेतेश्वर है और उसने कहा था कि एक हफ्ते पहले उसकी गन चोरी हो गई थी। ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। कमाल, न गन इनकी न फार्म हाउस इनका, समझ में नहीं आ रहा। और एक बात रजत, इस गन पे सिर्फ इसी बुजुर्ग औरत की उंगलियों के निशान मिले। रजत। यस सर। ये सारा चक्कर शहद का है। शहद? शहद यानी हनी? हाँ, दरअसल जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी पर मुझे प्रोपोलिस मिला है। प्रोपोलिस?
हाँ वही प्रोपोलिस जिसे मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों फूल पत्तियों से शहद बनाने के लिए। देखो ये है प्रोपोलिस। इसका मतलब पुनी जिस जगह से होकर आ रहा था वहां शायद मधुमक्खियों के छत्ते वगैरह। बिल्कुल सर। हाँ फ्रेडी, इस बुजुर्ग औरत के बारे में पता चल गया। क्या नाम है उनका? इनका नाम रमोला है। वैशाली नगर के एक घर में काम करती थी और उस घर के मालिक कुणाल ने ही इनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उस जेब कतरे से स्केच बनवाई? हाँ सर, ये देखिए। अरे ये तो इस लड़की का स्केच नहीं। जी हाँ। कोई और ही है? इसका मतलब उस फार्म हाउस में इन तीनों के अलावा कोई और भी आया था। क्रिमिनल डेटाबेस में चेक किया? किया था, मगर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कुणाल के घर चलते हैं, शायद वो बता पाए कि ये स्केच वाली लड़की है कौन। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? रमोला इसी घर में काम करती है ना? हाँ, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। मालूम, जरा अपने साहब मेम साहब को बुला। क्या कहूँ उनसे, कौन आया मिलने? सीआईडी। सीआईडी? रमोला का कुछ पता चला? रमोला के बारे में पूछताछ करनी है। कौन आया कुणाल? ये लोग सीआईडी से हैं, रमोला के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। रमोला के बारे में? ये मेरी पत्नी है अवंतिका। सर ये तो बिल्कुल उस स्केच वाली लड़की जैसी दिख रही। हाँ, तो भाई। क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आप एक नजर डाल लीजिए, खुद समझ जाएंगे। ये तो मेरा स्केच है। लेकिन सर मेरी पत्नी का स्केच आप लोगों के पास कैसे? एक जेब कतरे ने बनवाया। जेब कतरे ने मेरा स्केच बनवाया? जी हाँ, कल रात जब आप सिरसी रोड वाले फार्म हाउस पर गए थे तो उसने वहाँ आपको देख लिया था। सिरसी रोड वाला फार्म हाउस? कल मैं कहीं नहीं गई, और सिरसी रोड पे तो हमारा कोई फार्म हाउस ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आपका फार्म हाउस नहीं था, इसलिए जुर्म करते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। कैसा जुर्म? रमोला का खून करने का जुर्म। रमोला का खून हो गया? अब ड्रामा करना बंद करो, तुमने ही रमोला का खून किया। क्या बात कर रहे हैं सर आप सीधे सीधे इतना बड़ा इल्जाम मेरी पत्नी पर लगा रहे हैं? मैं रमोला का खून क्यों करूंगी? उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। वो सिर्फ मेरी दाई माँ नहीं थी, मेरी माँ से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। मैं तो उनके खून करने का सोच भी नहीं सकती। कैसे मान लें कि आप झूठ नहीं बोल रहे? कैसे मान लें कि आप कल रात सिरसी रोड पर नहीं थी? एक मिनट सर, ये खून कितने बजे हुआ? रात को 9 बजे। 9 बजे? तब तो मैं सुंदर नगर के ब्यूटी पार्लर में थी। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, मिस इज राइट, मैं खुद अवंतिका को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। साहब ठीक कह रहे हैं, मेम साहब किसी का खून नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी मेम साहब ने खून नहीं किया तो फिर इनका स्केच उस जेब कतरे ने कैसे बनवाया? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ सर, कल रात मेरे दोस्त अमय ने भी अवंतिका जैसी लड़की को देखा था प्रताप नगर में। अवंतिका जैसी कोई दूसरी औरत? कहाँ है आपका दोस्त, बुलाइए जरा। सर वो आज ही इंडोनेशिया चला गया है छुट्टी मनाने। इन दोनों को पहचानते हैं? सर इन्हें क्या हुआ? रमोला के साथ इन दोनों का भी खून कर दिया गया। What? My God. सिरसी रोड फार्म हाउस नंबर 114 किसी श्याम सुंदर नाम के आदमी का घर है, उसे जानते हैं आप? श्याम सुंदर सिरसी रोड? नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। और रमोला का? मैंने सिरसी रोड का उनके मुंह से नाम भी नहीं सुना कभी। आखिरी बार कब देखा था आपने रमोला को? कल शाम 7 बजे मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। रमोला उस वक्त मेरे साथ ही थी। हम लोग वापस घर आए और फिर मैं पार्लर के लिए निकल गई। वो कहीं गई जरूर थी, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। हाँ सर, और जब वो वापस नहीं आई तभी हमने पुलिस में कंप्लेन की। किसी पर शक है आपको? मेरी दाई माँ बहुत अच्छी थी, उन्हें मार के किसी को क्या मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। जी। अच्छा, उन बाकी दो लाशों के बारे में पता चल गया? कौन है वो? एक डॉक्टर और एक नर्स। कहाँ काम करते हैं? टेरी फ्लॉस हॉस्पिटल। जी कहिए, मैं क्या मदद कर सकती हूँ आप लोगों की? हम लोग सीआईडी से हैं,
हमें पता चला है कि आपके अस्पताल से एक डॉक्टर और एक नर्स लापता हैं। जी हाँ। यही हैं वो दोनों? हाँ, डॉक्टर मानस और नर्स कविता। इन दोनों का खून कर दिया किसी ने। कैसे हुआ ऐसा? हम यही पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको शक है किसी पर? जहाँ तक मैं जानती हूँ इनकी किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा, आखिरी बार आपने इन्हें कब देखा था अस्पताल में? कल शाम 7 बजे डॉक्टर मानस एक पेशेंट का हार्निया का ऑपरेशन कर रहे थे और कविता भी उन्हीं के साथ थी। उस ऑपरेशन के दौरान इन दोनों के साथ कोई और था? जी हाँ, ये वार्ड बॉय जितेश, इधर आना। क्या हुआ दीपिका? डॉक्टर मानस और कविता का खून हो गया। क्या? हाँ, और ये लोग CID से। CID? हाँ। अच्छा ये बताओ, कल शाम ऑपरेशन के दौरान कोई अजीब बात हुई थी? हाँ सर, ऑपरेशन के दौरान एक आदमी और एक औरत उनसे मिलने आए थे और दोनों के बीच में पता नहीं क्या बात हुई। जब ऑपरेशन खत्म हो गया तो डॉक्टर मानस और कविता कहीं चले गए। क्या वो औरत ऐसी दिख रही? पता नहीं सर, उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था और आंखों पर काला चश्मा था। आदमी का चेहरा याद है तुम्हें? थोड़ा थोड़ा याद है। ये दोनों कहीं वो लोग तो नहीं है जिन्हें उस जेब कतरे ने देखा था? हो सकता है। अच्छा, उन दोनों के बारे में कोई और बात याद है तुम्हें? हाँ सर, उस औरत की तबीयत बहुत खराब थी, उन दोनों के लिए ऑटो रिक्शा में ही लेकर आया था। तो कुछ सुना था तुमने, उन्होंने ऑटो वाले से कहाँ जाने के लिए कहा था? जाने के लिए कहा था? हाँ सर, गुल रोड जाने के लिए कहा था उन्होंने। गुल रोड। पंकज, गुल रोड जाके देखो इन दोनों के बारे में कुछ पता चलता है क्या। और तुम हमारे साथ ब्यूरो चलो और उस आदमी का स्केच बनवा। मुझे तो इस अवंती का भी ही शक है, इसी ने खून किया है। आड़ी टेढ़ी कहानियां सुना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है। यस सर, उसके घर वाले उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जबकि उसके पति के दोस्त अमय का कहना है कि उसने अवंतिका को मार्केट में देखा था। पता नहीं कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। और अगर अवंतिका उस रात फार्म हाउस में गई थी तो उस जेब कतरे ने उसे वहां देखा कैसे? सर, स्केच तैयार है। यही वो आदमी है जिसे तुमने हॉस्पिटल में देखा था? हाँ साहब, बिल्कुल ऐसा ही दिखता था वो। रजत, देखो जरा किसका फैक्स है। सर, मोबाइल कंपनी से फैक्स है, रमोला के फोन रिकॉर्ड्स हैं। चेक करो, देखो मौत से पहले किस किस से बातचीत हुई थी उसकी। सर, मौत के दिन रमोला को अवंतिका से 5 कॉल्स और कुणाल से 3 कॉल्स आए थे, और सर किसी अनजान नंबर से 10 मिस्ड कॉल्स आए थे। अनजान नंबर से 10 मिस्ड कॉल? इस नंबर पर फोन लगा के देख। सर हम जा सकते हैं? ठीक है, अभी जाओ, बाद में बुलाएंगे तो आ जाना। जी सर। सर, फोन बंद आ रहा। नंबर बंद मतलब मामला गड़बड़। पता लगाओ किसका नंबर है। सर, मैं गुड़ रोड से आ रहा हूँ जिसके बारे में इस वार्ड बॉय ने हमें बताया था। सर, वहाँ पर एक जगह है जहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकाला जाता है। मधुमक्खी, शहद, ठीक है, वहाँ चल के इस आदमी का स्केच दिखाते हैं, वहीं से हमें इस आदमी के बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। पूछ पूछ के मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। बात करते तो मुंह दर्द होता है, आपके पैर क्यों दर्द हो रहे हैं? ये तुम लोग अपना रोना बंद करो, समझे? उस आदमी को ढूंढना बहुत जरूरी है, हिम्मत मत हारो। इससे पूछते हैं। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये इस आदमी को देखा क्या आपने यहाँ पर? हाँ सर, मंगल नाम है इस आदमी का, पिछले महीने ही यहाँ रहने के लिए आया, भाड़े पे घर भी लिया है। इसका घर दिखा सकते हैं? हाँ सर, आइए। वैसे काफी कुछ जानते हैं इस आदमी के बारे में आप। अरे साहब, वो इसलिए कि वो घर पहले मैं भाड़े पे लेने वाला था, सब कुछ पक्का हो गया था साहब, लेकिन इस मंगल ने ना मकान मालिक को मुझसे दुगुना भाड़ा देके खुद ले लिया। दुगुना भाड़ा? हाँ साहब। बहुत अमीर है क्या ये मंगल? साहब, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है साहब, एक लड़की के साथ में रहता है वो, लेकिन वो लड़की कभी घर से बाहर निकलती नहीं साहब। एक मिनट, वो लड़की कैसे दिखती है? साहब, लड़की का चेहरा तो मुझे याद नहीं साहब, वैसे भी वो निकलती कहाँ घर से बाहर। वैसे भी साहब मेरी किस्मत देखिए, मुझे भी घर बगल में ही मिल गया सब भाड़े से। अच्छा, उसके बगल में ही? जी सर, ये साहब, ये रहा मंगल का घर सर। साहब मैं जाऊं अभी। हाँ, थैंक यू वेरी मच।
मंगल, मंगल दरवाजा खोलो। सर मंगल जवाब नहीं दे रहा, कहीं उसे भनक तो नहीं लगी? भाग के जाएगा कहाँ? अंदर कोई नहीं सर। ठीक है, घर की अच्छी तरीके से तलाशी लेते हैं, देखो कुछ मिलता है क्या। लगता है मंगल या यहाँ पर रहने वाली लड़की किसी को डायबिटीज है। सर ये दवाइयाँ मिली, शायद यही दवाइयाँ इस इंजेक्शन में डाल के लेते होंगे। के साहब को फोन करो, पता करो ये डायबिटीज की दवाई है कि नहीं। यस सर। सर ये मंगल की पैंट से ये नंबर मिला है। मोबाइल नंबर, जरा मोबाइल कंपनी से पता करो किसका नंबर है। ओके सर। ये क्या है? तो रमोला का खून है। रमोला का खून हो गया सर? ये अंगूठी तो अवंतिका की है। अवंतिका की अंगूठी? तो मंगल के साथ जो लड़की इस जुर्म में शामिल है वो अवंतिका है। अवंतिका पे नजर रखनी पड़ेगी। सर आपका शक सही निकला सर, सालों के साहब से बात हो गई है। ये दवाई एक खास किस्म की डायबिटीज के इलाज के लिए इस्तेमाल होती है। खास किस्म की डायबिटीज? हाँ सर, ये डैन कॉलिमोर नाम बताया उन्होंने इस डायबिटीज का। बहुत ही कम लोगों को होती है। बहुत कम लोगों को होती है तो बहुत कम लोग ये दवाई खरीदते होंगे। मेडिकल स्टोर से पता करो किन किन लोगों को ये डैन कॉलिमोर नाम की बीमारी है और कौन कौन ये दवा लेते हैं। ओके सर। सर इस नंबर का पता चल गया। सर ये एक टैक्सी कंपनी का नंबर है। टैक्सी कंपनी का नंबर मंगल की जेब में? इस टैक्सी कंपनी से पता करो हाल में मंगल ने कोई टैक्सी मंगवाई थी क्या। हेलो, हाँ बताइए किसका नंबर है। क्या नहीं, ठीक है, थैंक यू। क्या सर? वो अनजान नंबर जो रमोला की कॉल लिस्ट में था तो किसी फिल्म एक्ट्रेस शीना का। शीना? सर ये शीना तो फ्लॉप फिल्मों की हीरोइन है। इसकी फिल्में शुक्रवार को लगती है और शाम तक उतर भी जाती है सिनेमा हॉल से। फिर भी तुम उसकी फिल्में देखते हो है? अगर ये शीना का रमोला के साथ क्या लेना देना? और सर जब शीना का नंबर ऑफ आ रहा है तो हम उस तक पहुंचेंगे कैसे? उसके सेक्रेटरी के जरिए। रजत उसके सेक्रेटरी से मिलो और पता करो ये चक्कर क्या है। सर मैं जब भी शूटिंग पे आता हूँ ना तो बचपन में कहीं भी मेरी माँ की बात याद आ जाती है। कौन सी बात? सर मेरी मम्मी कहती है पंकज तुम इतने क्यूट हो, इतने क्यूट हो तो तुम हीरो क्यों नहीं बन जाते। पंकज हर माँ को अपना बेटा क्यूट ही लगता है, लेकिन हर बेटा अगर बड़े होकर हीरो बन जाए तो दुनिया के बाकी काम कौन करेगा। हाँ सर। हाँ भाई साहब ये शीना के सेक्रेटरी संकेत कहाँ मिलेंगे? ये रहे। संकेत आप लोग? हम लोग सीआईडी से, हमें शीना के बारे में कुछ। सर शीना का कुछ पता चला क्या? पता चला मतलब शीना यहाँ पे शूटिंग नहीं कर रही है। सर शूटिंग तो उन्हीं की फिल्म की चल रही है यहाँ पर, लेकिन वो 3 हफ्ते से गायब है, न जाने कहाँ चली गई। गायब? तो आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई? नहीं सर, वो अक्सर घूमने चली जाया करती और फिर अपने आप लौट भी आती, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही दिन हो गया। अरे तो फिर शीना के घर वालों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई? नहीं सर,
शीना मैडम अकेली, उनका परिवार में कोई नहीं। आपने कभी शीना को इनके साथ देखा था? इनका नाम रमोला है। नहीं सर। सिरसी रोड के एक फार्म हाउस में इनका खून हो गया। खून? हाँ खून। और इनके मोबाइल पे जो आखिरी कुछ फोन आए थे उनमें से एक नंबर शीना का। लेकिन शीना मैडम का मोबाइल 3 हफ्ते से बंद आ रहा है। सर अपने कर्जदारों के बीच में फंसा कर वो ऐसे नहीं जा सकती सर। कर्जदार? हाँ सर, पूरे 70 लाख का कर्जा उन पर, और इसी फिल्म से आखिरी उम्मीद थी उनकी, वो तो चली गई। अब सारे कर्जदार मुझे परेशान कर रहे हैं। अच्छा आप इन दोनों को पहचानते हैं? नहीं सर, कौन है ये? इनका भी खून हो गया। सर आप बार बार मुझे फोटो दिखा रहे हैं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। ठीक है, हम आपको और फोटो नहीं दिखाएंगे। अच्छा आप याद करके बताइए, शीना के गायब होने से ठीक पहले उनकी किसी के साथ लड़ाई हुई थी? नहीं सर, बल्कि उस दिन वो बहुत अच्छे मूड में थी, यहाँ तक कि डायरेक्टर ने उसकी एक्टिंग की तारीफ भी की थी सर। अच्छा शीना को आखिरी बार कहाँ देखा था? सर अपने गाड़ी में बैठी थी, अचानक उसका मूड बदल गया, उसके बाद वो रिक्शे से चली गई। गाड़ी छोड़ के रिक्शे से चली गई? जी। तब तो शीना की गाड़ी सर यहीं पे पास में आई। हाँ दिखाइए। सर ये रही गाड़ी। एक काम करते हैं, गाड़ी की अच्छे से तलाशी लेते, शायद कुछ मिले। में तो कुछ भी नहीं है। पेट्रोल की टैंक लगभग फुल है। शहर में ऐसी कौन सी जगह होगी जहां शीना ने गाड़ी की बजाय रिक्शे से जाना बेहतर समझा? संकेत, शीना किस दिन गायब हुई थी? ये 17 सितंबर को। कुछ याद है जब वो ऑटो पकड़ के गई थी तब वक्त क्या हो रहा था? ये कुछ शाम के 5 बजे थे। पंकज पता लगा, 17 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद शीना का फोन किस एरिया में नेटवर्क पकड़ रहा था। और अवंतिका पर भी नजर रखो, देखो जो अंगूठी हमें मंगल के घर से मिली थी वो अंगूठी उसकी उंगली में है या नहीं। अरे ओ भाई साहब, इसको उठाओ, कचरे में फेंको, ये क्या फेंक रहे हो इधर? इतनी दूर जाने की तकलीफ कौन करेगा? बिस्किट खाने की तकलीफ की है तुमने, कचरा नहीं फेंक सकते? तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या? रस्ते पे फेंका है, तुम्हारे घर में तो नहीं? ओ भाई साहब, ये रास्ता है ना शहर का है, और ये शहर हमारा घर है, और इस घर के हम लोग नागरिक है, और हर नागरिक का फर्ज है कि शहर को साफ रखने में हम लोग योगदान दे। चलो उठाओ से और फेंको से। तुम नागरिक हो गए ना, निभा दिया ना अपना कर्तव्य, अब जाओ, मैं वही करूंगा जो मेरे मन में आएगा। हल्के में ले रहा, ये देख क्या ये उठा फेंक उधर, आईंदा नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो पंकज? अवंतिका की उंगली में ठीक वैसी अंगूठी है जैसे हमें मंगल के घर से मिली थी। अरे ठीक से देखा तुमने, कोई गलती तो नहीं हुई तुमसे? नहीं सर, मैंने बहुत देर से फॉलो किया सर, वो अंगूठी इसके हाथ में है सर। ठीक है, और कुछ पता चले तो फोन करना। ये कैसे हो सकता है, एक ही औरत एक ही टाइम पे दो अलग अलग जगह पे कैसे? और तो और एक जैसी अंगूठियां, एक अवंतिका की उंगली में और दूसरी मंगल के कॉटेज में, ये कोई गहरी साजिश है। कोई अवंतिका को फंसाने की कोशिश कर रहा है सर। खूनी बहुत चालाक है रजत, गहरा जाल बन रहा है, लेकिन जितना गहरा बुनेगा उतनी बुरी तरह फंसेगा। सर ये वो टैक्सी ड्राइवर है
जिसने मंगल को अपनी टैक्सी में बिठाया था। नमस्ते सर। नमस्ते। तुम जरा ये स्केच देखो, वही आदमी है जिसे तुमने टैक्सी में बिठाया था? हाँ सर, शायद ये वही आदमी है। अगर इसका टोपी और चश्मा उतार दे तो सर बिल्कुल वैसा ही लगेगा। अच्छा, बिना चश्मा और टोपी के भी एक स्केच बनवा देना था। और ये देखो, ये लड़की का स्केच, उस आदमी के साथ ये लड़की थी। सर, उस लड़की का चेहरा तो याद नहीं, पर आदमी ही है। कहाँ छोड़ा था दोनों को? सर, वो ज्वाला रोड पर। वहाँ कोई इनका इंतजार कर रहा था? नहीं सर, कोई नहीं था। ज्वाला रोड। सर, शीना का मोबाइल आखिरी बार इसी जगह पर ट्रेस हुआ था। ऐसे सुनसान इलाके में उसे क्या काम पड़ा होगा? हो सकता है किसी से मिलने आई। किससे? शायद उससे जिसने उसे 3 हफ्तों से गायब कर दिया। उसे किसी ने 3 हफ्तों से गायब किया या वो खुद गायब हो गई है, अभी पता चल जाएगा। पुरानी सी बिल्डिंग है, खाली पड़ी लगती है। यहाँ आई थी शीना? चलो देखते हैं। तो कोई हॉस्पिटल लगता है जो बंद पड़ा हुआ है। शीना को भी इसी जगह पे आना था? क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, मैं कह रहा था कि ऐसी जगह पे छानबीन करने से क्या फायदा, कुछ भी नहीं मिलेगा। सुन, ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं। ऑपरेशन थिएटर? उधर स्विच बोर्ड दिख रहा है, जरा देखो लाइट आ रही है क्या? अच्छा खासा ऑपरेशन थिएटर है यहाँ तो। लगता है हाल में ही किसी का ऑपरेशन किया गया है। नहीं सर, इस खंडर जैसी जगह में सिर्फ यही एक कमरा साफ सुथरा है। ऑपरेशन किया गया है, लेकिन सर इसका ऐसी जगह पे ऑपरेशन करवाना कुछ अजीब नहीं लगा? अजीब तो है फ्रेडी। तो ये चक्कर है फ्रेडी, इस हॉस्पिटल से जुड़े कोई भी आदमी, डॉक्टर, वार्ड बॉय कोई भी मिलता है तो ब्यूरो में लेकर आओ। सर, ये डॉक्टर अभिषेक है, ये उसी पुराने हॉस्पिटल में काम किया करते थे जहाँ पे हमें वो ऑपरेशन का सामान मिला था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उस बंद पड़े अस्पताल में कोई ऑपरेशन भी हो सकता है। डॉक्टर अभिषेक, मैं आपको एक स्केच दिखाना चाहता हूँ। इसे पहचानते हैं आप? मंगल नाम है इसका। मंगल? नहीं नहीं सर, ये मंगल नहीं है। मुझे लगता है आप लोगों को कुछ गलत फहमी हो रही है, ये डॉक्टर गौरव है। गौरव? जी हाँ, उसी पुराने हॉस्पिटल में ये मेरे साथ काम किया करते थे, मगर एक गलत ऑपरेशन की वजह से इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। तो इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। अच्छा, उसके बाद डॉक्टर गौरव कहाँ गए, कुछ पता है आपको? मालूम नहीं सर, गुमनामी के अंधेरों में कहीं खो गए थे। पिछले 7 सालों से इनकी कहीं कोई खबर नहीं है। मगर आप सब लोग इनके बारे में क्यों पूछें? क्योंकि उस बंद पड़े हॉस्पिटल में जो ऑपरेशन किया गया था वो शायद डॉक्टर गौरव ने किया है। ठीक है डॉक्टर अभिषेक, आपने हमारी बहुत मदद की, आपसे कोई जानकारी लेनी होगी तो आपको फिर याद करेंगे। थैंक यू जी। रेडी, पंकज को फोन करो और पूछो मंगल और डॉक्टर गौरव का कुछ पता चला। हेलो अनीता जी, बताइए।
वो खास किस्म की डायबिटीज 3 लोगों को है। उन लोगों के नाम जान सकता हूँ मैं? विनोद, रघु और अवंतिका। जी आप कहीं अवंतिका कुमार के बारे में तो बात नहीं कर रही? हाँ हाँ, श्याम नगर में रहने वाले। ओके, थैंक यू। तो अवंतिका को है वो खास बीमारी? सर शक की सुई तो फिर से अवंतिका की तरफ इशारा कर रही है। मतलब डॉक्टर गौरव के घर में जो इंसुलिन इंजेक्शंस मिले और जो दवाइयां मिली वो अवंतिका की ही थी। यह एक बार फिर हमें खूनी गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से अवंतिका की अंगूठी उसने वहां पे रखी थी, उसी तरीके से दवाइयां और इंसुलिन भी रख दी। खैर अब ज्यादा टाइम नहीं है इस केस से पर्दा उठने में। हेलो कुणाल जी, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ CID से। जी कहाँ हैं आप? ओ और अवंतिका जी, अच्छा अच्छा आपके साथ ही हैं। हाँ रमोला मर्डर केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, जैसे ही खत्म हो आप मुझे फोन करिएगा, हमारा मिलना बहुत जरूरी है। जी सर, क्या बताया कुणाल? ये दोनों अभी किसी चैरिटी फंक्शन में है, मैंने बोला उनको खत्म होने के बाद फोन करो। सर पंकज को डॉक्टर गौरव का पता चल गया। वेरी गुड। तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? देखो मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन देख लेना बहुत जल्द ही तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो हम दोनों की भलाई के लिए किया। ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं कभी खुश नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। शुरू शुरू में थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, लेकिन बाद में आदत पड़ जाएगी। मैं पानी लेके आता हूँ। और हाँ, अगर भागने की कोशिश की ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा वो प्यारा पतिदेव है ना, वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। आता हूँ मैं। अरे भाई एक चिप्स और पानी की बोतल देना। अरे भाई साहब आप मेरी सीट पे बैठे हैं, उठिए यहां से। इस सीट पे तुम्हारा नाम लिखा है क्या? देखिए बदतमीजी मत करिए। और यहाँ जो लड़की बैठी थी वो कहाँ गई? चली गई। चली गई? CID ले गई उसे। CID? हाँ CID। और तुम भी अकेले कहाँ जाओ, चलो मैम से। मैं भला आपके साथ क्यों जाऊंगा? वो क्या है कि बस की सवारी करने में वो मजा नहीं है जो CID की गाड़ी में। क्या हुआ सर, आपने अचानक हमें मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया? किससे मिलवाना था आपको? किससे? फ्रेडरिक। यस सर। इनसे। ये कौन है? कुणाल आप इसे नहीं जानते लेकिन अवंतिका अच्छी तरह जानती है। मैं नहीं जानती, मैं तो इन्हें पहली बार देख रही हूँ। क्या फ्रेडरिक गड़बड़ कर दिया, ये दोनों इसे नहीं जानते। कोई बात नहीं सर, कोई और भी है, मुझे पक्का यकीन है कि ये दोनों उसे जरूर जानते होंगे। तो फिर नेक काम में देरी कैसे? पंकज क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हारा कि CID वालों ने मेरी जान बचा ली, वरना मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने की उम्मीद भी छोड़ चुकी थी। कौन हो तुम? कौन हो तुम मतलब? मैं अवंतिका हूँ, तुम्हारी पत्नी अवंतिका। झूठ बोल रही है ये, तुम्हारी पत्नी अवंतिका मैं हूँ। ये ना ये धोखेबाज लड़की मेरी हमशक्ल होने का फायदा उठा के तुम्हें उलझा रही है। झूठ मैं नहीं, झूठ ये लड़की बोल रही है कुणाल। मैं ही तुम्हारी पत्नी अवंतिका हूँ। और मैंने तुम्हें बताया होगा ना कि उस वक्त मार्केट में गुंडे मेरे पीछे पड़े थे और मैं उनसे बच के भाग रही थी। इतनी बड़ी साजिश,
इसकी एक मत सुनना कुणाल, ये ना हमारा हंसता खेलता परिवार बर्बाद करना चाहती है और इसीलिए इसने ये सारा खेल रचा है। बहुत हुआ, कौन असली है कौन नकली, अब ये सीआईडी बताए। वैसे नकली अवंतिका ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, और क्यों ना करती, आखिर वो भी तो एक फिल्म एक्ट्रेस है। खबरदार, बहुत अच्छा किया तुमने, चलो। अगर कुछ भी किया ना तो मैं इस अवंतिका के पति को गोली मार दूंगी। नहीं, ब्यूरो चलें। ए, तुम भी। मैं शीना हूँ, शीना, फिल्म एक्ट्रेस शीना, अवंतिका यही है। तुम्हारी असलियत तो हमें उसी वक्त पता चल गई थी जब पुराने हॉस्पिटल से तुम्हारा बैग और उस बैग के अंदर तुम्हारी ऑपरेशन से पहले की फोटो मिली थी हमें। और तुम डॉक्टर गौरव, क्यों किया तुमने ये सब? मैं कॉलेज के दिनों से ही अवंतिका से प्यार करता था, पर अवंतिका ने मेरे प्यार को अपने पैरों तले रौंद दिया कुणाल से शादी करके। और इतनी सी बात का तुम इतना बड़ा बदला लेना चाहते थे? इतनी सी बात? ये तुम्हारे लिए इतनी सी बात हो सकती, मेरे लिए नहीं। मेरी जिंदगी की एक एक सांस तुम्हारे लिए थी। मैं तुम्हें प्यार करता था और तुम्हें मेरे प्यार की परवाह ही नहीं थी। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कुणाल से छीन कर ही रहूंगा। मैं तो डॉक्टर गौरव के पास सिर्फ अपने नाक की सर्जरी कराने के लिए गई थी, और ये जानते थे कि मेरा फिल्मी करियर डूब रहा है, और फिर इन्होंने मुझे ऐसा ऑफर दिया जो मैं ठुकरा ही नहीं पाई। नकली अवंतिका बनने का ऑफर, क्यों? हाँ, इसे गौरव को उसकी अवंतिका मिल जाएगी और मुझे लाखों रुपयों के कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। मगर गड़बड़ तब हुई जब रमोलो का तुम्हारी असलियत पता चल गई। हाँ, मैं नहीं जानती थी कि अवंतिका को डैन कॉलिमोर नाम की एक खास किस्म की डायबिटीज की बीमारी है। मैं जब हॉस्पिटल गई चेकअप कराने, मेरी रिपोर्ट में डायबिटीज नहीं निकली। रमोला को मेरे में शक हो गया और उसने अवंतिका के पुराने डॉक्टर मानस को फार्म हाउस में बुला लिया। और इससे पहले कि तुम्हारा भांडा फूट जाता तुम दोनों ने तीन तीन खून कर दिए। और क्या करता सर, हमारे पास और कोई चारा नहीं था। अपनी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हमारे सामने यही एक रास्ता था। मंजिल चाहे कोई भी हो, अगर उस तक पहुंचने का रास्ता जुर्म से होके गुजरता है तो उसका अंत हमेशा बुरा ही होता है। शायद फांसी ही होगी तुम लोगों को। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।